कामकाजी महिलाओं को कानूनी सुरक्षा। आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। कामकाजी महिलाएं कितनी सुरक्षित है यह किसी से छिपा नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें आगे बढ़ाने, हर क्षेत्र में बराबरी का दर्जा तथा भागीदारी देने के दावों में कितनी सच्चाई है यह भी सभी जानते हैं। विभिन्न कार्य क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है, चाहे वह उनकी पढ़ाई लिखाई या योग्यता का परिणाम हो या प्रगतिशीलता का या फिर परिवार की आवश्यकता या मजबूरी का। महिलाओं ने हर क्षेत्र में दस्तक देकर अपनी आमद कायम कराई है, लेकिन इसके साथ यह भी कड़वी सच्चाई है कि महिलाओं की बाहरी कार्यक्षेत्र में बढ़ती सक्रिय भागीदारी के साथ ही उनके शोषण तथा यौन शोषण व यौन उत्पीड़न की घटनाओं में भी भारी बढ़ोतरी हो रही है। कामकाजी महिलाओं के इस शोषण को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने विशाखा व अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य के मामले में निर्णय देते हुए विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। कामकाजी महिलाओं का ही यौन शोषण हो रहा है, ऐसा ही नहीं है बल्कि महिलाओं से बलात्कार, छेड़छाड़ तथा घरेलू हिंसा के मामलों में भी वृद्धि हुई है। महिलाओं की सुरक्षा के मामलों में सरकार के ढीले रवैये के चलते सर्वोच्च न्यायालय ने यह महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के संदर्भ में ऐतिहासिक निर्णय राजस्थान की एक स्वयंसेवी संस्था विशाखा द्वारा दायर याचिका पर दिया। विशाखा ने यह याचिका राजस्थान के एक गांव में स्वयंसेवी महिला के साथ हुए सामूहिक बलात्कार के बाद दायर की। इस याचिका में सर्वोच्च न्यायालय के अनुरोध किया गया कि घर की दहलीज से बाहर निकलने वाली कामकाजी महिलाओं के शोषण के लिए सर्वोच्च न्यायालय कुछ दिशा निर्देश जारी करे। इस याचिका पर ऐतिहासिक निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि यह दुख की बात है कि कामकाजी महिलाओं के यौन शोषण को प्रभावी रूप से रोकने के लिए हमारे दीवानी तथा फौजदारी कानून में समुचित प्रावधान ही नहीं है। महत्वपूर्ण तथ्य है कि अभी तक वैधानिक रूप से यौन शोषण की परिभाषा निर्धारित नहीं की गई थी। इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रथम बार यौन शोषण को परिभाषित किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि किसी महिला को शारीरिक रूप से छेड़ा जाता है, उसके समक्ष यौन संबंधी भद्दे वाक्य कहे जाते हैं, उसको अश्लील साहित्य दिखाया जाता है अथवा किसी प्रकार का अन्य अशिष्ट व्यवहार किया जाता है, तो वह यौन शोषण की परिभाषा के दायरे में माना जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि किसी भी कामकाजी महिला का यौन शोषण रोकना उसको नौकरी प्रदान करने वाले व्यक्ति तथा अथवा संस्थान का कर्तव्य है। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि सभी नौकरी प्रदान करने वाले व्यक्ति या संस्थान, चाहे वह सरकारी हो या अथवा निजी हो, उनका कर्तव्य है कि वह कामकाजी महिलाओं का यौन शोषण रोकने हेतु सभी उपयुक्त उपाय करेंगे। न्यायालय ने कहा कि उक्त संस्थान अथवा व्यक्ति इस कर्तव्य को पूरा करने हेतु निम्न कार्य आवश्यक रूप से करेंगे। केंद्रीय मानवाधिकार संगठन ऐसे अपराधों के खिलाफ लड़ने में आपकी मदद करेगा। संगठन से जुड़ने के लिए संपर्क करें संगठन की हेल्पलाइन नंबर 9552011005। संगठन की सारी डिटेल आपको संगठन की वेबसाइट www.केंद्रीयमानवाधिकार.com पर मिल जाएगी।